अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ो, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि हम उम्रे के सफ़र पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इमिग्रेशन वगैरह की चेकिंग के बाद में इस वक्त हम एयरपोर्ट में दर अंदर आके बैठे हुए हैं। एक ज़रूरी बात जिस वक्त मुझे याद आई, जिसके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में घड़ी है और ये फिंगर में मैंने रिंग अंगूठी पहनी हुई है। वो सारे लोग हमारे ये समझते हैं कि जी अहराम की हालत में घड़ी नहीं पहन सकते, अंगूठी नहीं पहन सकते। याद रखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अहराम ये मैंने पहना हुआ है, ये दो चादरें हैं बस। बाकी इसके अलावा अगर आपको हाथ में घड़ी पहननी है, अंगूठी पहननी है, तो पहन सकते हैं। ऐसे ही औरतें अगर अपने जेवरात पहनना चाहें अहराम की हालत में, अगर औरतें हैं, गले में चैन है, हार है, हाथों में अंगूठियाँ हैं या कड़े हैं या जो भी XYZ उनकी जो भी ज्वेलरी है, तो वो अगर पहनना चाहें तो पहनने की इजाज़त है। जो ये गलत फहमी औरतों में मशहूर है या मर्द ये समझते हैं कि जी अहराम की हालत में हम घड़ी, अंगूठी और औरतें अपने गले का हार, कंगन, कड़े वगैरह नहीं पहन सकते हैं, तो अचानक से बैठा हुआ था तो ये मसला याद आया कि लोग इसमें भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं और कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी है, इस उम्मीद के साथ में कि इंशाल्लाह इस वीडियो से हमारे बहुत सारे भाई बहनों का नफ़ा होगा। तो चलिए, उम्रे के सफ़र में हैं, मैं इंशाल्लाह खुदा के हमें दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरा फरमाए। इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह, फिर और जो भी चीज़ें, जो भी मसले, जो भी वो होंगे, आपको अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।